नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अपने प्राकृतिक गार्डन में लगी हुई कुछ अंगूर की बेल दिखाऊंगा। और यह अंगूर की बेल मैंने मात्र एक साल पहले अपने नेचुरल गार्डन में लगाई थी। इस बेल पर पहली बार फ्लावरिंग शुरू हुई है। कुछ समय के बाद फ्लावरिंग इस कंडीशन की हो गई है। और कुछ दिनों के बाद इस बेल पर इस साइज के छोटे छोटे अंगूर लगने शुरू हो गए हैं। जो अंगूर के गुच्छे के बराबर में छोटा सा गुच्छा और लग रहा है उसको हम कट कर रहे हैं ताकि बेल पर कम से कम फल हो और अंगूर का फल का साइज बड़ा हो और उसके अंदर बीज भी न बने। इसी प्रकार से हम अंगूर की बेल पर एक्स्ट्रा अंगूरों को हटा रहे हैं। गुच्छे से भी कुछ छोटे छोटे अंगूरों को बाद में निकालेंगे। इस बेल पर बहुत ही ज़्यादा अंगूर लगे हुए हैं दोस्तों। और यह देखिए, गर्मी ज़्यादा होने की वजह से अंगूर समय से पहले ही पक गए हैं। यह लाल अंगूर की बेल है दोस्तों। हमारे यहाँ पर टेम्परेचर 50 डिग्री के करीब चला जाता है जिसकी वजह से अंगूर की बेल के पत्ते भी जलने लगे हैं। और यह अंगूर की बेल हमने बिल्कुल प्राकृतिक ढंग से उगाई हुई है। इसके अंदर किसी भी तरह का केमिकल या पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं किया है। हमने एक कोशिश की है दोस्तों कि अंगूरों को बिल्कुल प्राकृतिक ढंग से उगाया जा सकता है या नहीं, क्योंकि अंगूरों के अंदर बहुत ही ज़्यादा केमिकल का प्रयोग होता है। अंगूरों का साइज छोटा है लेकिन खाने में यह बहुत ही मीठे हैं दोस्तों। और इस बेल के ज़्यादातर फलों को तो पक्षी और गिलहरी खाती हैं। सुबह के समय पर पक्षी चुन चुन कर मीठे फलों को खाते रहते हैं और गिलहरियाँ भी दिन में इन फलों को खाती रहती हैं दोस्तों। बेल पर बहुत ही ज़्यादा फल लगा हुआ है। मैं सिर्फ आपको पके हुए फल ही दिखा रहा हूँ। और एक बेल अंगूर की यह लगी हुई है दोस्तों, इस पर दूसरी बार कोटिंग हुई है। और जिस जगह पर यह बेल लगी हुई है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पौधे लगे हुए हैं, वहाँ पर हम बहुत ही कम आते जाते हैं। इस बेल में किसी भी प्रकार की खाद नहीं डाली गई है, सिर्फ पानी की वजह से ही सभी फ्रूट लगे हैं। और यह देखिए, पत्तों के पीछे अंगूरों के गुच्छे लगे हुए थे और सभी मीठे फलों को पक्षियों ने खा लिया है। बैकग्राउंड में गिलहरी की आवाज़ और पक्षियों की आवाज़ भी आप सुन सकते हैं दोस्तों। अगले सीजन में इस बेल पर कुछ ऑर्गेनिक खाद डालकर देखेंगे, उसके बाद आपको रिजल्ट दिखाएंगे। यह फल खाने में बहुत ही मीठी है दोस्तों और नामात्र का इसके अंदर बीज है। आज हम पके हुए अंगूरों की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। अंगूरों के कलर से ही आपको पता लग जाएगा कि यह पूर्ण रूप से पक चुके हैं। और यह है हमारी आज की हार्वेस्टिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।